व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नवीन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी MIUI वर्जन को iOS 17 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। जिसके लिए बस आपको 3 थीम्स को डाउनलोड करना है एंड उसको अप्लाई करके आप इस सेटअप को या फिर मैं कहूँ iOS 17 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको कंट्रोल सेंटर चेंज देखने को मिल जाता है, सेटिंग आपको चेंज देखने को मिल जाती है और भी काफ़ी सारे चेंजेस है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए एंड चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर दो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें होम स्क्रीन कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है। आइकन देख सकते हैं आपको प्योर iOS वाले ही देखने को मिल जाते हैं एंड ऊपर में हमें एक विजेट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड, जिसको टैप करने पर आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप से इसकी एनिमेशन देखने को मिलती है। एंड दोस्तों जब आप किसी सॉन्ग या फिर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं हमें कंप्लीट iOS वाला तो नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी फील करा देता है। एंड साथ ही अगर इस साइड भी हम जाए तो इस साइड भी देख सकते हैं आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बोल्ड विजेट मिल जाती है और यहाँ पे एक आइकन मिल जाता है जो कि iOS वाला ही है। और चेंजेस की बात करें तो वो दोस्तों हमें सेटिंग में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आइकन जो है वो भी चेंज देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हर चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पार्ट वाइज देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हर चीज़ जो है वो अलग अलग पार्ट में देखने को मिल जाती है, जो कि एक iOS वाले UI में देखने को मिलता है। अगर इसी तरह से मैं डायलर में जाऊँ तो डायलर भी आपको कंप्लीट iOS वाला ही देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जो सबसे कमाल के फीचर है वो मिलते हैं हमें इसके लॉक स्क्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रोइड वाली एनिमेशन मिल जाती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाती है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हो तो यहाँ पे AOD वाला फीचर भी इनेबल हो जाता है, जिसके में अगर आपके फ़ोन में AOD डिस्प्ले हो या ना हो ये सभी में वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ से ऊपर से स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे तगड़ा फीचर मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्टैंड बाय मोड मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लॉक स्टाइल है, जो आपको पसंद हो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप बॉटम में डबल टैप करते हो तो यहाँ पे आप दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हो। हमें यहाँ पे विजिट के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 108 विजिट स्टाइल देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों अगर यहाँ से लाइव पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ये वॉलपेपर मिल जाती है, जो कि यार मुझे कुछ खास लगी नहीं। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डे 11 यानी आपको यहाँ पे डे 11 में आपको काफ़ी सारी जो वॉलपेपर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अभी मुझे डाउनलोड किए हुए इसे 2 दिन ही हुआ है, तो इसलिए मेरी बस एक ही वॉलपेपर जो है वो इनेबल है, मैंने इसलिए ये वाली यूज़ की हुई है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सेटअप को तैयार करना कैसे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी डिफॉल्ट थीम पर आ चुका हूँ और उस सेटअप को तैयार करने के लिए हमें जाना होगा थीम पर। थीम पर जाने के बाद आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है H23 और सेकंड थीम डाउनलोड करनी है आपको एंड्रॉइड मिक्स 12.5। ये दोस्तों आपको आइकन्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हमारी लास्ट थीम है M14V14, ये दोस्तों आपको डायलर में जरूरत। तीनों थीम्स को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करनी है H23 अल्ट्रा। उसके बाद दोस्तों आपको कस्टमाइज थीम पर आ जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको जाना है आइकन्स पर और आइकन्स पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है 12.5 मिक्स OS और इसको अप्लाई कर दीजिए। ये दोस्तों आपके काम आएगी आइकन के बाद दोस्तों आपको जाना है डायल पैड में और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है M14V14 थीम को और यहाँ से दोस्तों इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है एंड आप देख सकते हैं हमारा आधा सेटअप तो तैयार हो चुका है। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वॉलपेपर दी हुई है, उसको सेलेक्ट करके आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए। सबसे पहले आपको बॉटम में डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो वॉलपेपर अनलॉक मिलेगी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाली अनलॉक मिलती है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से कस्टमाइज करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको पसंद हो। उसके बाद मिलता है हमें लाइव का ऑप्शन, इसमें भी आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। और थर्ड ऑप्शन मिलता है हमें इंसर्ट का, इसको दोस्तों आपको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से इनेबल करना है थीम, आपको यहाँ से जाना है लॉक स्टाइल एंड यहाँ से कस्टमाइज पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट डेप्थ वॉलपेपर अपर लेयर और उसके नीचे मिलता है इंसर्ट डेप्थ वॉलपेपर लोअर, यानी आपको अपर लेयर पर अपर इमेज सेलेक्ट करनी है और लोअर लेयर पर आपको लोअर इमेज सेलेक्ट करनी है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जिसको आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। मैंने
मैंने जो इनेबल कर रखा था वो था मीटियोर इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने इनेबल कर रखा है, एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं जिसको आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। एंड यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।